एक बात मैं कह रहा हूं, अगर तू मेरी बात को सुनना है ना, तेरे अंदर अगर दम है तो एक काम कर, तू मेरे पास आ, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर, ठीक है? तू कर सकता है ना? ठीक है, तू कर दे आके भाई। मैं तुमको पता है कितने मैसेज आते हैं, सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है। हेलो नमस्कार, मैं विनय यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय LLB में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन दिया होगा उसको प्रेस कर देना, सामने बेल आइकन का भी दिया होगा उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास। तो जैसा कि आज मैं आपको बताऊँगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि हम साइबर क्राइम में हमको कंप्लेंट करना क्यों ज़रूरी है, इसका क्या बेनिफिट्स हैं और क्या बेनिफिट्स नहीं है, ये आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जो भी आज जानकारी दूंगा वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपने लोन लिया है, आप हरेसमेंट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कॉन्टेक्ट पे कॉल की जा रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ आपको जरूर इसमें रिलैक्स आपको मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो मेरी जो बातों को ध्यान से सुनते रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी लोग इस चीज़ से प्रताड़ित हैं, लोन ऐप के हैरेसमेंट से प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, उन्होंने कई ऐप से लोन ले लिया है और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या कर रहे हैं, कि लोगों के घर तक बिक गए हैं, सुसाइड करने तक की नौबत आ गई है, सुसाइड लोगों ने कर भी ली है। तो इसीलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, बीच बीच में आके अपडेट करते रहते हैं, रोज़ हम कोई ना कोई वीडियो बनाते हैं इस लोन ऐप से रिलेटेड, ताकि आप लोग देखें और सावधान रहें, इस चक्कर में मत पड़िए। 2-4 हज़ार के लोन के चक्कर में आप जो है ऑनलाइन घर बैठे रुपया लेने के चक्कर में आप ऐप से लोन ले लेते हैं, फिर बहुत आप किसी इस भंवर जाल में फंस जाते हैं, हैरेसमेंट के शिकार होने लगते हैं और बहुत मतलब आप अपना घर वगैरह सब बेच देते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं कि सर मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे बचा लीजिए, हमने लाखों रुपया खर्च कर दिया, अभी तक इनका हम भरपाई नहीं कर पाए हैं, रिपेमेंट नहीं कर पाए हैं। तो देखिए, आज आपको मैं इन सब का सवाल का जवाब दूंगा। क्या है, देखिए, अगर ऐसी प्रॉब्लम में आप फंस चुके हैं, देखिए आपने लोन लिया है, आपने डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड किए हैं, अपनी सेल्फी अपलोड की है और लोन को अवेल किया है, लोन लिया है, तो आपको क्या करना है, अगर उनका टॉर्चर शुरू हो चुका है, उनका हरेसमेंट शुरू हो चुका है, मानसिक तौर पे आपको परेशान किया जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 ऐप से लोन लिया है, तो सबसे पहले तो ये आपकी गलती है, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने गलत किया है, तो इसको आपको थोड़ी बहुत तो परेशानी तो अब होगी आपको, भाई आपने किसी का पैसा लिया है वो आपको परेशान तो करेगा, ये तो एकदम जायज है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको इस कदर परेशान करे कि बिल्कुल आपकी जान ही ले ले। आपने लोन लिया है लेकिन मर्डर नहीं किया है, ना कोई रेप किया है, ना कुछ ऐसा कोई क्राइम किया है, लोन लिया है, ठीक है, हम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो लीगल तरीके से हमसे आप लड़ाई लड़िए, हमसे पैसा निकलवाइए, पैसा लीजिए, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इनका तरीका है ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो इस बारे में आपको बता दूं, अगर ऐसे भंवर जाल में आप फंस गए हैं, अगर आपने लोन लिया है 2-4 जो भी आपने जितने भी हज़ार का लोन लिया है, 8, 10, 20 ऐप से जो भी लिया है, आपको सबसे पहले आपको साइबर क्राइम में कंप्लेंट करनी है। देखिए, मैं इससे वीडियो भी बना चुका हूँ, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप कंप्लेंट कीजिए, कंप्लेंट कीजिए। देखिए, कंप्लेंट करना क्यों ज़रूरी है मैं आपको ये बता दूँ, लेकिन कंप्लेंट करना ज़रूरी इसलिए है, वो उसका मोटिव अलग है, लेकिन मैं कंप्लेंट इसीलिए करवाता हूँ, वो मोटिव है क्या वो आपको मैं बताऊँगा, लेकिन ये समझ लीजिए कंप्लेंट अगर होती है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप कंप्लेंट कीजिए वो लोग पकड़े जाएंगे और जेल चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क है लोगों का कि साइबर क्राइम पूरी पुलिस जो है जांच में लगी हुई है, एजेंसियां उनको नहीं पकड़ पा रही है, ये कहां से बैठ के काम कर रहे हैं, इनकी हर समय लोकेशन चेंज होती रहती है, आज यहां बैठे हैं इस सिटी में, कल दूसरी सिटी में, कल तीसरी सिटी में, क्योंकि इनका सारा काम फ़ोन पे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, तो ये ऑनलाइन फ्रॉड है, साइबर क्राइम में आता है। मतलब आप ये सोच रहे हो कि हम पकड़वा देंगे इन्हें, सर बिल्कुल नहीं होने वाला, अगर आप कंप्लेंट करते हैं, ठीक है, तो कंप्लेंट में क्या होगा कि पुलिस पकड़ ले बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आपके पास कॉल आना बंद हो जाए गाली गलौज की बिल्कुल वो भी कम नहीं होगा, या आपको धमकी देना, गाली देना, आपको आपके कॉन्टैक्ट्स को धमकाना या किसी भी तरह से जो प्रताड़ित करते हैं वो बिल्कुल भी बंद नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही जारी रहेगा। अब आप कहेंगे कि तो कंप्लेंट करने का फ़ायदा क्या हुआ, हमारे साथ गलत हो रहा है, फ़ायदा क्या हुआ, वो फ़ायदा क्या है मैं आपको बता दूँ, कंप्लेंट क्यों ज़रूरी है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, उसका लिंक डाल दूंगा, देख लेना वो वीडियो भी,
कि आपके डॉक्यूमेंट का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है, मतलब आपके आधार कार्ड पैन कार्ड जब आप लगाते हैं लोन लेते समय एक सेल्फी देते हैं, वही पिक्चर्स वही फोटोज़ आधार कार्ड पैन कार्ड और आपकी सेल्फी की वो क्या कर रहे हैं किसी और ऐप लोन से लोन लेते हैं, वो पता नहीं क्या टेक्निक है उनकी, वो हमें भी नहीं पता, लोन लेते हैं और वो लोन का जो पैसा है वो खर्च करते हैं या अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आपके नाम से लोन ले लेते हैं किसी दूसरे उससे फर्जी कंपनी लोन ऐप से और जो है कि और मतलब आपके नाम से, मतलब ये समझिए आपके नाम से पैसा ले लिया जाता है, समझने वाली बात समझिएगा, आपके डॉक्यूमेंट का हो रहा है यहाँ पे इस्तेमाल बहुत बड़ा, आपने जो लोन लिया आप उन्हीं से परेशान हैं, इधर ये लोग लोन ले लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट यूज़ करके, ये बहुत बड़ा फर्जी बाड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करें, अगर कंप्लेंट कर देते हैं और उसमें ये मेंशन कर देते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट से मैंने ये ऐसे ऐसे ऐप से लोन लिया था और मेरे डॉक्यूमेंट उनके पास जा चुके हैं, अगर भविष्य में कोई भी गलत एक्टिविटी होती है, कोई मिसयूज होता है मेरे डॉक्यूमेंट का, कोई भी लोन लेता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने आपके डॉक्यूमेंट से लोन ले लिया है, उन्होंने किसी ने भी लोन ले लिया, ठीक है, मान लीजिए वो रजिस्टर्ड हुई कंपनी NBFC, वो तो आपके सिविल में अपडेट करेगी, सिविल में अपडेट करने के बाद आपका लोन जो है उसमें अपडेट होगा, आप लोन पे नहीं करेंगे तो आपका सिविल स्कोर खराब होगा, ठीक है, आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है अगर रजिस्टर्ड है तो। पैसा वो लोग ले रहे हैं लोन का, पूरे मजे ले रहे हैं पैसे का, उड़ा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और बर्डन आप पे आ रहा है सब, और आपके नाम से लोन लिया जा रहा है और चक्कर आपको काटने पड़ेंगे फिर फालतू के किसी चीज़ में, अगर कोर्ट के केस में या पुलिस केस में पड़ जाते हैं तो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वो यूज़ करके पैसे ले रहे हैं, पैसा आपको भरना पड़ेगा, आपकी प्रॉब्लम बड़ी, आप वैसे ही परेशान है लॉकडाउन के बाद, वैसे भी किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई अपना काम कर सके, सबके पास जो उनकी कैरियर था या जो भी जॉब थी या बिजनेस था ठप हो गया है, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा चक्कर है। इसलिए कंप्लेंट मैं करा रहा हूँ कि आपके पास एक सरकारी रिकॉर्ड चढ़ जाएगा आपके खाते, मतलब उनके खाते में, सरकारी खाते में, कि हाँ आपने कंप्लेंट की थी, एक्शन हो या ना हो वो उनकी जिम्मेदारी है, साइबर क्राइम वालों की वो टीम है, पकड़े या ना पकड़े या कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन आप कंप्लेंट दर्ज कराइए, मैं इसलिए कहता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बात और बताऊँ, एक सब्सक्राइबर है हमारे, कोई है मुझे नहीं पता, उन्होंने कमेंट किया, अरे भाई कुछ नहीं होता है, ये डराते हैं, मतलब हमारे लिए बोल लेते हैं कि डराते बहुत हैं ये, अरे चक्कर है मत पड़ो, कुछ भी नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है, ये नहीं है। भाई एक बात मैं कह रहा हूँ, अगर तू मेरी बात को सुन रहा है ना, देख मैं एडवोकेट हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, तेरे अंदर अगर दम है तो एक काम कर, तू मेरे पास आ, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर, ठीक है, तू कर सकता है ना, ठीक है, तू कर दे आके भाई, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तू कर दे, मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे और लोग चार खड़े हो जाएं जो हेल्प करें लोगों की। तुझे तुमको पता है कितने मैसेज आते हैं सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है, तुमने तो एक या दो ऐप से लोन लिया तो तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अरे कोई टेंशन नहीं है, ये है वो है, तो तुमने क्या किया होगा, नंबर बंद कर दिया होगा, तुम्हारी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी फर्जी होगी, तो तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा। जिनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ओरिजिनल है, जिनकी जा चुकी है और जो सच में परेशान है, उनसे पूछो उनका क्या हालत है, उनको हमें राह दिखानी पड़ती है, रास्ता दिखाना पड़ता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऐसा कोई भी बंदा अगर आपको समझाने की कोशिश करे, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये है वो है, ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ये अरे छोड़ो यार कहाँ चक्कर में पड़े हो, ये बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं, भैया मैं अगर गलत दे रहा हूँ तो ठीक है, तुम उनको समझा दो जो इस प्रॉब्लम में पड़े हैं, तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा हूँ पूरी, लोगों की जो प्रॉब्लम्स आ रही है मैं तुम्हें देता हूँ, तुम सॉल्व करो आके। तो ऐसे लोगों सावधान रहिए, अगर आपको हम पे विश्वास है तभी हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है मेरे पे मैं आपको ठग रहा हूँ या आपके साथ कुछ कर रहा हूँ, मैंने समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है। देखिए साइबर क्राइम पे कंप्लेंट कैसे होती है, इसका मैंने वीडियो बना रखा है, नीचे लिंक भी दिया हुआ है, उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता कैसे होगी, आप मेरे माध्यम से कराओगे तो मेरे माध्यम से भी आप करा सकते हो, लेकिन मेरे माध्यम से कराओगे तो देखिए मेरी छोटी सी जो भी फीस होगी वो पे करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप कराओगे तब हम आपको बता देंगे, ठीक है। और मैंने इसलिए वीडियो भी बनाया है कि आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन लोग फिर भी इन्फॉर्मेशन को गलत फिलअप कर देते हैं, उनकी FIR जो कंप्लेंट होती है सॉरी वो रिजेक्ट हो जाती है, फिर वो हमसे बोलते हैं, फिर हमको करनी पड़ती है, तो कितना बर्डन होता है, कितने लोग हमारी समस्याओं के अपनी समस्याओं को हमारे पास लेके आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई उनको मजे लेते हैं, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बरगला रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो तुम सामने आ जाओ लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तुम्हारी सॉल्व हो गई है, इसका मतलब थोड़ी ना है कि हर किसी की सॉल्व हो गई है,
मैं इतना कहना चाहता हूँ, जागरूक हो, सावधान रहो और अपने आप में देखो कि हमने गलत किया है कि लोन लेके पहले, तो अब सॉल्यूशन भी हमें खुद देखना है। हम आपकी से मदद कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम है, ये आपसे ऐसे बात कर रहे हैं, वैसे बात कर रहे हैं कि, तो उस पर आपको क्या करना है, कैसे जवाब देना है, हम आपको ये कह सकते हैं। जब भी अगर वो आपसे वो लोन रिपेमेंट के लिए फ़ोन करें, गाली गलौज करें, सबसे पहले तो कंप्लेंट करो और उनसे कहो कि पहले लोन एग्रीमेंट दो और सिविल में अपडेट करो, उसके बाद ही मैं लोन के लिए मैं बता पाऊंगा कि मैं पेमेंट करूंगा कि नहीं करूंगा। क्योंकि तुम्हारा जो ये तरीका है, ये कोई तरीका नहीं है, किसी भी कानून में नहीं है। अगर तुम ये इलीगल एक्टिविटी करोगे तो हम भी इलीगल एक्टिविटी करेंगे तुम्हारे साथ, गलत करेंगे। पैसा सही से मांगोगे, पैसा हम सही से देंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आपने हमारा बुरे समय में काम चलाया, बहुत अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें गाली गलौज करोगे, ठीक है। तो कंप्लेंट आप जरूर कीजिए। और देखिए मैं आपको बता दूं कंप्लेंट कैसे होती है, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, और आप नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारे माध्यम से भी कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है। एक बात और कि जब कंप्लेंट आप करेंगे साइबर क्राइम में, तो कुछ इस तरह का मैसेज आएगा, आप कोने पर देख लीजिएगा, जब कंप्लेंट करेंगे तो 7 days या 10 days मैक्सिमम, इतने में कंप्लेंट जो है वो आपके थाने पे चली जाती है। आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट में दिखा दे रहा हूँ, देखिए मैसेज लिख के आ रहा है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो आपके थाने में भेजी जा चुकी है, ठीक है, आप खुद देख लीजिए, ये प्रूफ है। मैंने अभी कंप्लेंट की थी 3 दिन पहले 4 दिन पहले और ये जा चुकी है, ठीक है। अब इनके पास कॉल गया है और उनकी बैठा के उनके पूरी अच्छे से जानकारी ली गई है, और उन पे जो भी ये ऐप्स हैं उन पे FIR भी दर्ज हो गई है, ठीक है। और बहुत जल्दी वो FIR कॉपी में मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन जो चीज़ है वो मैं आपको ये प्रूफ दिखा रहा हूँ, इसलिए कंप्लेंट करना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। अगर आप ऐप वाले आपको परेशान कर रहे हैं तो आप आंखें बंद करके सबसे पहले कंप्लेंट कीजिए साइबर क्राइम पे, क्योंकि साइबर क्राइम हो रहा है तो साइबर क्राइम पे कंप्लेंट होना ज़रूरी है। आपके डॉक्यूमेंट मिसयूज़ हो सकते हैं, इन केस कोई अगर आगे बात बनती है, कोई नोटिस आता है या आपके ऊपर कोई केस करते हैं, कोई नोटिस भेजते हैं आपको, आपके डॉक्यूमेंट जो यूज़ कर सकते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड को, तो उसको आप अभी से सेफ करके चले अपने आप को, एक कंप्लेंट कर दीजिए, ताकि अगर कोई बात होती है आगे चल के तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने तो कंप्लेंट की हुई है, ये देख लीजिए, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरे साथ जो है धोखाधड़ी हुई है, मेरे डॉक्यूमेंट का मिसयूज हुआ है, इसके लिए मैंने पहले ही कंप्लेंट कर दी है। तो इसीलिए फ्रेंड्स जागरूक रहिए, मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि कंप्लेंट को बहुत ज़रूरी है करना, ऑनलाइन होती है, आप खुद से भी कर सकते हैं, अगर आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हमारे माध्यम से भी करा सकते हैं, हमारी छोटी सी फीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा होता है कि मेरी पूरी टीम काम करती है तो मुझे उनको ये देना पड़ता है, मैं अपनी जेब से तो नहीं दे पाऊँगा ना, ठीक है, मेरी इतनी कोई कमाई नहीं है मेरी, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करें, ये चीज़ ध्यान रखें, साइबर क्राइम पर कंप्लेंट ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। और हाँ, सुसाइड का बिल्कुल मत सोचना, अपने अंदर कोई ऐसी जो भी कोई विचार हो मत निकाल दो, कोई टेंशन नहीं है, अगर मुसीबत आई है जाएगी भी ज़रूर, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है, आपको एक स्ट्रांग बन के रहिए। मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलाऊंगा किसी दिन कि वो लोग इतने स्ट्रांग से इनने काम किया, आज वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है, उन्होंने मेरा साथ दिया, मैंने उनका दिया, और बिल्कुल मजबूती से खड़े रहे, वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल गए। प्रॉब्लम है, सामना करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट जिस पे कॉल जाएगी ये बंद नहीं होगी, ठीक है, जब तक का आप अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक का, कंप्लेंट हो गई या FIR हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये लोग बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है कि अभी तक कहीं पे भी पुलिस ने इनको पकड़ा, ठीक है। अगर पकड़ा हो तो हमारे पास ऐसी भी तो कोई अपडेट नहीं है, अगर होती मैं जरूर बताता, ऐसा कहीं भी नहीं है कि इनका ग्रुप पकड़ा गया है, इतनी ऐप्स चल रही हैं, सब बराबर चल रही हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हो पाया है, ना ये पकड़ में आए हैं। बस ये जो कंप्लेंट कराने का जो मकसद था वो मेरा यही है कि आगे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अगर इनकेस कोई बात हो जाती है आपके ऊपर तो आप ये कह सकते हो कि मैंने कंप्लेंट की थी, ये कंप्लेंट की कॉपी है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैंने सिर्फ लोन लिया था, इन्होंने मेरी कॉन्टैक्ट को हैक किया, मेरे डॉक्यूमेंट को मिसयूज़ किया, ये इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो आप किसी प्रॉब्लम में ना पड़े इसलिए कंप्लेंट कराना बहुत ज़रूरी है, आपको मुझे यही बताना था, ठीक है। और बाकी मैंने वीडियो बना रखा है कंप्लेंट कैसे होती है, कंप्लेंट किस तरह की होती है, वो सब मैंने बता रखा है, आप जो है मेरे चैनल पे आके चेक कर सकते हैं सारी वीडियोस को, ठीक है, और या मेरे को लिंक पे मैंने दे दिया है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो अब मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं आपकी क्या प्रॉब्लम है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप पे भी अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।